दोस्तों नमस्कार। हमारे धर्म शास्त्रों में हमारी रोजाना के कार्यों से जुड़ी बहुत ही महत्वपूर्ण बातें बताई गई हैं। हमें किस वक्त क्या करना चाहिए और किस वक्त क्या नहीं करना चाहिए, सुबह के वक्त ब्रह्म मुहूर्त में किन कामों को करना शुभ माना जाता है और किन कामों को करना अशुभ माना जाता है, इस बारे में शास्त्रों में विस्तार से वर्णन किया गया, शास्त्रों में विस्तार से बताया गया है। वही शाम के वक्त गोधूली वेला में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, आज हम आपको गोधूली वेला किसे कहते हैं और इस वक्त किन कामों को बिल्कुल नहीं करना चाहिए, इस बारे में हम आपको बता रहे हैं। यह वीडियो इसी से संबंधित है। गोधूली वेला को शास्त्रों में बेहद शुभ माना जाता है। माना जाता है कि इस मुहूर्त में किए जाने वाले कार्यों में बेहद शुभ फल प्राप्त होते हैं, बेहद शुभ फल के परिणाम मिलते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि आप यह न जानते हो कि गोधूली वेला क्या होता है। शास्त्रों के अनुसार यह वह समय होता है कि जब सूर्य ढल रहा होता है, यानी शाम को 5:30 से 7 बजे तक का समय। शास्त्रों में ऐसा बताया जाता है कि इस वक्त गाय चरने के बाद लौटती हैं। गाय जो है बाहर गई रहती हैं, चरकर वह लौट के आती हैं, तो उनके चरणों से जो धूल उड़ती है, इस वजह से सूर्य की लालिमा ढक जाती है। इसी वक्त को ही गोधूली कहा जाता है। माना जाता है कि इस समय सभी कार्यों के लिए बेहद शुभ माना जाता है। शाम के वक्त अगर आपसे कोई पैसे मांगने आए तो भूल कर भी उसे उधार न दें। शास्त्रों में ऐसा शाम के वक्त करने को मना किया गया है। माना जाता है कि गोधूली वेला में किसी को पैसे उधार देने से माँ लक्ष्मी जो है वह नाराज हो जाती हैं और घर से रुष्ट होकर चली जाती हैं। ऐसे घरों में फिर अलक्ष्मी यानी लक्ष्मी की जो बहन है वह दरिद्रता पैर पसारने लगती हैं। भूल कर भी किसी व्यक्ति को शाम के वक्त उधार न दे। शाम के वक्त यानी जब सूर्यास्त का वक्त हो तो यदि कोई आपसे दही या फिर दूध मांगने आए तो उसे नहीं देना चाहिए। दही और दूध श्वेत होने के कारण चंद्रमा और माँ लक्ष्मी को दर्शाते हैं, तो शाम के वक्त इनको उधार देने से माँ लक्ष्मी और उनका भाई माने जाने वाले चंद्रदेव नाराज हो जाते हैं। माँ लक्ष्मी के नाराज होने से आपको धन की कमी का सामना करना पड़ता है, तो वहीं चंद्रदेव के नाराज हो जाने से व्यक्ति को सर्दी जुकाम आदि समस्याएं होने लगती हैं, मानसिक परेशानियां होने लगती हैं। शास्त्रों में ऐसा बताया गया है कि शाम के वक्त यानी गोधूली वेला में तुलसी को स्पर्श नहीं करना चाहिए, तुलसी नहीं तोड़ना चाहिए, न ही उसमें जल चढ़ाना चाहिए। शाम के वक्त तुलसी के पेड़ के नीचे घी का दीपक जलाकर पूजा करनी चाहिए, इनकी आराधना करनी चाहिए। ऐसा करने से पॉजिटिव एनर्जी चली जाती है और घर में गरीबी और दुर्भाग्य आता है, इसलिए इसका ध्यान रखें। शाम के वक्त पति और पत्नी को भी ब्रह्मचर्य के नियमों का पालन करना चाहिए और भूल से भी इस वक्त संबंध नहीं बनाने चाहिए, इससे दूरी रखनी चाहिए। इस वक्त संबंध बनाने में माँ लक्ष्मी नाराज हो जाती हैं और आपके घर का माहौल जो है वह खराब हो जाता है और लक्ष्मी आपके घर से चली जाती हैं। गोधूली वेला का समय जो है वह ध्यान और साधना का वक्त होता है और ऐसे में यह काम करना बहुत ही गलत माना जाता है। माना जाता है कि इस वक्त के संबंध से पैदा हुई संतान भी सुलक्षण वाली नहीं होती है, इसलिए इससे बचकर रहना चाहिए। शाम के वक्त यानी जब सूर्य ढल रहा हो तो बच्चों की पढ़ाई नहीं करनी चाहिए। शास्त्रों में इस वक्त पढ़ाई करने की मनाही की गई है। ऐसा करने से छात्रों की बुद्धि का क्षय होता है और माँ लक्ष्मी के साथ माँ सरस्वती भी दूर चली जाती हैं।
शाम के वक्त ध्यान रखना चाहिए कि बच्चों को श्लोक और मंत्रों के बारे में बताना चाहिए, मंत्रों और श्लोकों को पढ़ाना चाहिए। ऐसा करने से उनके मन में अध्यात्म का भाव जागृत होता है और अच्छे संस्कार इन्हें आते हैं, अच्छे संस्कार ये प्राप्त करते हैं। मंत्र में ही प्राण है, इसलिए शुद्धता के साथ बच्चों को मंत्र जरूर पढ़ाएं। आप सब यूं ही जुड़े रहें, मिलते हैं अगले वीडियोज में। तब तक के लिए नमस्कार, जय माता दी, वंदे मातरम।